अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मटन पसंदे और इसे हम बनाने वाले हैं फ्रेश मेथी के साथ। और सर्दियों के मौसम में मेथी की भाजी जो है वो बहुत आती है और इसे आप हर तरह की सब्जी में डाल सकते हैं। ये बहुत ही मजे की बनकर तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने 700 ग्राम के करीब मटन लिया और मटन को इस तरह लंबे लंबे पीसों में और पतले पतले पीसों में काट लिया है। ये देखिए इस तरह के पीसों को आप काट लें। तो मटन के हमने इस तरह लंबे लंबे पीस कर लिए हैं और इसे बहुत पतला काट लिया है। तो सबसे पहले हम मटन को मेरीनेट करके रखेंगे। तो मटन को मेरीनेट करने के लिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन को लगाने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे दही। तो आधा कप के करीब हमने ये दही लिया और दही को अच्छी तरह फेंट लिया है। और इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून के करीब लेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब ये सारी चीजों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मटन पसंदे बहुत ही मजे के बनकर तैयार होते हैं। आप इसे एक बार इस तरह बनाएं, ये बहुत मजे के लगते हैं। तो ये देखिए सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मटन के पीसों को हमने बहुत पतला पतला काटा है। अगर आपके मटन के पीस थोड़े मोटे रहते हैं तो फिर आप उसे थोड़ा सा कूट कर बना सकते हैं। तो मैंने मटन संदे जो है एक बार कूट कर भी बनाए हैं, तो वो रेसिपी की लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए ये सारी चीजें हो गई अच्छी तरह मिक्स। अब इसे हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। मटन जब अच्छी तरह मेरीनेट हो जाए तो अब हम रखेंगे इसे पकने के लिए। तो यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच के करीब तेल को गर्म कर लिया है। इसमें हम थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे और साबुत मसालों में हमने लिया है दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। और ये मसालों को हल्का सा तड़का लेंगे और मसाले जब हल्के से तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो अब इसमें हम डाल देंगे ये मेरीनेट किया हुआ मटन। तो फ्लेम को फुल पर रखेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे। तो 10 से 12 मिनट भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक काट लिए है, ये डाल दिए और टमाटरों को भी हम थोड़ी देर भून लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ फुल पर ही रखेंगे। तो ये देखिए टमाटर डालकर भी अच्छी तरह हमने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। इसे हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसमें हम 1 कप के करीब पानी डालेंगे और अगर आप बिना प्रेशर कुकर के बना रहे हैं तो फिर आप इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दें और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें और स्लो फ्लेम पर रखकर 40 से 50 मिनट इसे पकने दें और बीच में 1-2 बार आप इसे चला भी दें। तो हम इसे जल्दी बना रहे हैं तो इसे हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो इसमें हम 1 कप के करीब पानी डालेंगे। मिक्स करने के बाद में अगर आपको लगे कि पानी कम है तो फिर आप पानी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। और अब हम लगा देंगे इसकी लीड। अब यहाँ फ्लेम को हम मीडियम पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर इसमें हम 2 से 3 सीटी लगा लेंगे क्योंकि हमने मटन को मेरीनेट करके रखा था तो ये जल्दी गल जाएगा। अगर आप मेरीनेट करके मटन को नहीं रखते हैं और डायरेक्ट ही बनाते हैं तो फिर आप इसमें 4 से 5 सीटी लगा लें। चलिए तो मटन को देख लेते हैं। ये देखिए मटन अच्छी तरह गल गया है। अब यहाँ गैस को हम चालू करेंगे और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे फ्रेश मेथी। सबसे पहले हम मेथी डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम के करीब फ्रेश मेथी ली और इसे अच्छी तरह साफ करके धोकर बारीक काट लिया है। तो ये डाल देंगे। फ्लेम को हम यहाँ फुल पर ही रखेंगे और फुल फ्लेम पर ही इसे अच्छी तरह भून लेंगे। तो बस इसे अब हम थोड़ी देर भून लेंगे और अगर आपके पास में फ्रेश मेथी ना हो तो फिर आप इसमें कसूरी मेथी डालकर भी बना सकते हैं, तब भी ये बहुत ही मजे की लगेगी। तो बस अब इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। भाजी डालकर भी 8 से 10 मिनट हमने इसे पका लिया है और आप देख सकते हैं मटन पसंदे बनकर तैयार है। और आप यहाँ ग्रेवी को देख सकते हैं, ग्रेवी इसी तरह की थिक होती है तो आप इसे पानी बिल्कुल ना डालें, इसी तरह की ग्रेवी आप रखें, ये बहुत ही मजे की बनती है। और आप इसे चपाती के साथ या स्टीम राइस के साथ खाएं, ये बहुत ही मजे के लगते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।